हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भेल पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम लोग बाहर भेल तो बहुत खाते हैं, पर घर पे इतनी चटपटी और इतनी आसानी से भेल तैयार करते हुए आप आज देखेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कभी भी कोई छोटी मोटी पार्टी हो या कभी भी आपको स्नैक्स में बनाना हो तो 2 मिनट में फटाफट हम इसे बना के तैयार कर लेते हैं और स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ही ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। भेल बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स दिया है वो है 1 कटोरी मुरमुरा, इसे कहीं पे मुमड़ा कहीं पे मुरही नाम से जाना जाता है। इसे हम गैस पे कढ़ाही गरम करके उसमें 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच हल्दी के साथ रोस्ट कर लिया है, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 टमाटर को काट लिए हैं, 2 बड़ा चम्मच हम तीखी चटनी बनाए हैं, 1 बड़ा प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है, यहाँ बारीक वाला सेव और थोड़ा सा पापड़ी हमने मैश लिया है, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड मूंगफली यानी कि सिंगदाना, 2 हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे काट रखे हैं, 1/2 टुकड़ा हम नींबू का रस लिए हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता हम बारीक काट लिए हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है, उसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तो आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम है तो 1/2 चम्मच डालिए, थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे, इसमें हम 2 बड़ा चम्मच चटनी डालेंगे, अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 1/2 नींबू को निचोड़ रहे हैं। अब जितना भेल बनाना है उस अनुसार से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लीजिए। अब स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, तो यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मोमड़ा डालेंगे, तो हम इसमें मुरमुरा डाल देंगे, मुरमुरा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक सेव और पापड़ी डालेंगे, पापड़ी को हमने मैश रखा है, सिंगदाना यानी कि रोस्टेड मूंगफली, इसे भी हम डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम ऊपर से डालेंगे बारीक धनिया पत्ता जिसे हमने काट के रखा है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी चटपटी भेल तैयार हुई है। कभी भी हम मुंबई घूमने जाते हैं जो चौपाटी भी, तो भेल खाने का मन होता है और सेम भेल हमने घर पे बनाया है, इसमें सफाई का ध्यान रखते हुए अपना भेल तैयार हुआ है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे और इसमें हम भेल सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी भेल तैयार हुई है। इसकी कलर देखिए, इसमें हमने जो मसाला ऐड किया है उसका अंदाज देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा बारीक सेव से इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया भेल बनाना कितना आसान है और देखने में सुंदर, खाने में चटपटी। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये भेल पूरी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।